नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको क्रोचासन, जिसे सारस योग मुद्रा भी कहा जाता है, को करने का आसान तरीका और इसे होने वाले लाभों के बारे में बताएंगे। दोस्तों क्रोचासन एक ऐसा अभ्यास है जिसे नियमित प्रैक्टिस करने से यह अभ्यास हमारे शरीर को आराम और मन को शांति प्रदान करने वाला अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे पैरों की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती है। यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है। यह अभ्यास हमारे पैरों के जॉइंट्स को मजबूती प्रदान करता है और यह अभ्यास हमारे पैर, हमारे घुटने, हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स, हमारे हैमस्ट्रिंग, हमारी पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है। हमारे इसे करने से हमारे शरीर के जॉइंट लचीले बनते हैं। आइए देखते हैं कि क्रोचासन, जिसे इंग्लिश में हेरोन पोज भी कहा जाता है, को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। हेरोन पोज को करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासना को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना आना चाहिए। जब आप वज्रासना में अच्छी तरह से बैठ लेते हो तो इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। अगर आपके घुटनों में दर्द है, सूजन है, तो आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस ना करें। दोस्तों इस अभ्यास को करने के लिए आपके शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं। कमर कर्धन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से रख लेते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा रखते हैं। ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने की कोशिश करते हैं। 30 सेकेंड, 1 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। और फिर ऐसे सीधे फिर दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे तलवों के नीचे से रख ले हैं, रख लीजिए और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को कीजिए और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक पहले आप इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास हमारे शरीर के लचीलेपन को बढ़ाता है और हमारे जॉइंट्स की मजबूती के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और फिर वहां छोड़ते हुए नीचे ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। हेरोन पोज को करने के लिए आपने ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे ही पैर जाते हैं। सबसे पहले इसे सबसे आसान तरीके से करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। कमर गर्दन अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है। इसे करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। जिन लोगों को फ्लैट फिट की समस्या होती है, उन लोगों ने इस अभ्यास को नियमित 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा रखते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। कम से कम 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। आपके पैर पीठ को सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। और फिर नीचे फिर दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से रख लेना है। और फिर आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। और फिर एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। और फिर सीधे ऐसे ही अभ्यास को आप लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। जब आप ऐसे ही अभ्यास को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप क्रोचासना यानी हेरोन पोज को प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है और अपने इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के समीप ऐसे रख लेते हैं और इसके बाद अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से मोड़ लीजिए और दोनों हाथों को ऐसे तलवों के नीचे से रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा रखते हैं और ऐसे घुटने को नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए।
और फिर धीरे धीरे नीचे, फिर ऐसे ही दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़कर अपने दोनों हाथों को ऐसे तलपों के नीचे से रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ रखते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रख सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और फिर ऐसे आपने अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को 5 से 6 बार अप डाउन करते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं और फिर धीरे धीरे सीधे।